अस्सलामुअलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। क्या हाल है? वेलकम बैक। आज एक नया व्लॉग शुरू कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, आई नो, बट आई गेस एंड आई होप आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। सही बात है। आज असल में हमने एक नई एक्टिविटी करनी है। ये दीवारें, इनकी शटरिंग भी खोल ली थी, शायद आपको मैंने दिखाया नहीं था, बट सम हाउ दिस इज़ द रिज़ल्ट। लुक हाउ क्लीन। अब राइट नाउ तो इन पे पानी शानी लगा हुआ है, तो उस वजह से वो हमारे कदीर साहब। एंड आज हमने इस लेवल की छत की डिमार्केशन करनी है, जैसे हमने वो पीछे वाली की थी। पीछे वाले की तो छत अभी तक हम बहुत सी रीजंस की वजह से अभी तक नहीं लगा पा रहे हैं, बट अभी प्लान ये बना है कि हम इस छत को पहले करते हैं एंड पिछली छत को बाद में करेंगे। सो दैट्स व्हाई मूविंग फॉरवर्ड टू टुडेज एक्टिविटी, वही सेम तरीके है, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि यार करना किस तरह। ओके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरिंग टेप लेनी है। लेट मी टेक माई मेजरिंग टेप, जैसे हम अपनी जबान में कहते हैं फीता। तो आपने सबसे पहले फीता लेना है, एक मेजरमेंट करनी है, और वो मेजरमेंट ऐसी करनी है जैसे ये देखें, हमने इसका बॉटम लिया, ये बॉटम, और इस बॉटम से एक हाइट हमने मार्क कर दी, ये बॉटम से लेफ्ट से हमने हाइट मार्क कर दी, ये 4 फुट पे। अब हम इसी 4 फुट को मूव करवाएंगे ऑल द वे। तो इसके मतलब एक कॉलम पे तो आपने इसको इसके मदद से लगा दिया, लेकिन हर कॉलम पे आप मेजरिंग टेप को नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपने यूज़ करना है तो वाटर लेवल यूज़ करना है, ताकि जो आपने लेवल इस कॉलम पे लगाया है वही। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और हमें बताएं कमेंट्स में कि यार आया कि यह सीरीज अच्छी है, नॉलेजेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस तरह हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, और अगर अच्छी है तो यार फिर तो बहुत कुछ कहने को बनता है। तो राइट नाउ स्टे ट्यून्ड, और मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ कि यार कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा कभी नहीं करना आप लोगों ने कि यार मैदान में आ जाएं और अपने हथियार भूल के आ जाएं। खैर हम हथियार तो खुद लाए थे, बट हम वी मिस्ड अ पेंसिल, तो वो हम लेने जा रहे हैं। अ फ्यू इंचेस लेटर ये आ रही है हमारी पेंसिल, ये कदीसा। तो जनाब हमारे हथियार अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे हो गए हैं, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी डिमार्केशन। Here we go again. अब हमने इस निशान को ट्रांसफर कर दिया हर एक लोकेशन में। तो शटरिंग वाले क्या करेंगे, जब शटरिंग वाले इस लेवल से ऊपर, क्योंकि हमारी ऊपर जो बीम है उन बीम का बॉटम आ रहा है, उन बीम का बॉटम आ रहा है हमारा 10 फुट और 5 इंच, 6 इंच, सॉरी 10.5 फुट। तो हम ड्रॉप से 5 फुट तो यहाँ तक आ गए, शटरिंग वाले ये करेंगे इससे ऊपर ये नापेंगे। अब क्योंकि हमारे कॉलम भरे हुए हैं 10 फुट, तो हम ऊपर 6 इंच की गैप लगाएंगे, ये और यहाँ पे आके ये देखेंगे तो ये 66 इंच, ये तो ऊपर से जाके ये शटरिंग वाले इस तरह अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि टाइम लैप्स वगैरह में, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। मिलते हैं थोड़ी देर में। मीनवाइल ये हमारा पाइप रेडी है, इसमें हमने वाटर के लेवल को मेंटेन किया हुआ है, पानी का लेवल दिखाइएगा जी। ये देखिए अभी हमने इसको पहले चेक करना है, इसमें कोई बबल शबल ना हो, तो बबल वाइज ये ओके है, कोई बबल नहीं है। और ये देखें तो हमारा इधर वाटर का लेवल मेंटेन हो रहा है। ऊपर से उंगली हटाएं जी, उंगली हटाएं, ये उंगली हटानी होगी। अब ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पकड़िएगा जी उधर से, इसका वर्किंग एक पकड़ें, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, करीब करीब ही पकड़ें, करीब ही उधर से भी पकड़ें, ऊपर हाथ रखें,
ठीक है, अब देखें हमने हाथ रखे हैं और इसका लेवल डिफरेंट है। इस पाइप का लेवल इधर है और उस पाइप का लेवल थोड़ा सा डिफर कर रहा है, बट समहाउ जब हम इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालेंगे, हमने ऊपर उंगलियाँ रखी हुई, जो ही हम उंगलियाँ हटाएंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर आ गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इन दोनों के लेवल को इक्वल कर दिया। अब ऐसा है कि जूं मैं इसको नीचे करूँगा, ये देखें इसका लेवल मैंने नीचे किया और उधर से ये देखें ये लेवल इसने मेंटेन कर दिया। अब कदीर साहब आप अपने पाइप को ऊपर करें, तो ये ऊपर गया, अब ये पानी ऊपर से निकलने वाला है तो हमने भी इसको ऊपर कर दिया। एंड जूं जूं हम इस पाइप को बैलेंस डिस्टर्ब करते जाएंगे, नज़र फोकस नहीं कर रहा है। अब जूं जूं हम इस पाइप को मैं छेड़ता जाऊँगा, ये देखें मैंने पाइप को नीचे किया, उधर से पानी का लेवल ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। अब मैं ज़्यादा नीचे करूँगा तो मेरे वाले पाइप के ऊपर से निकल जाएगा, तो उसको निकालना है। तो ये एक प्रोसीजर है और इसी प्रोसीजर को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, अब देखें आपको डेमो करके दिखाते हैं। अब ये हमने इधर वाटर का लेवल रखा, अब गदीर साहब देखें मैं जूँ इसको हिला रहा हूँ ना, उसका लेवल भी हिल गया, ऊपर चला गया। अब हम यूँ करेंगे कि क्योंकि हमने निशान ये लगाया हुआ है, हम गदीर साहब को बोलेंगे जी कि इधर वाटर लेवल को आप बराबर करें, तो ये इन्होंने इधर अपना वाटर लेवल बराबर किया। जूँ ही इधर जिधर हमारा वाटर लेवल रुक गया, इस लेवल पर हमने निशान लगाया। अब एक हाथ से उसको पकड़े वो तो बराबर हो गया, ये हमने इधर ये इस वाटर लेवल पर हमने ये निशान लगा दिया। अब चूंकि वाटर अपना लेवल मेंटेन करता है तो हमने ये लेवल ये लेवल हमारा इधर इक्वल, इसी तरह हमने इन सारे चीज़ों को इन सारे लेवल्स को आगे ट्रांसफ़र करा। स्टे ट्यून्ड, देखते रहें, टाइम लैप्स एंजॉय करें और हम आपको मिलते हैं ये सारा काम करने के बाद इससे नेक्स्ट स्टेप में। वेलकम बैक, हाथ शाथ हमारे काले शाले हो गए, निशान लग गए, ठंडे भी बहुत हो गए, दीवारें ठंडी हैं यार इस वजह से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या किया है। एक निशान ये लगा है, एक ये नीचे वाला लगा है, ऊपर वाला गलत हो गया था, यहाँ पे ये लगा है और यहाँ पे ये लगा है। अब हमने जिस तरह पीछे रेड डोरी से इसको परमानेंट किया था ना कि जो अभी तक गायब नहीं हुआ, इसी तरह हमने इधर भी करना है, समझ गए ना बात को। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जाते हैं कदीर साहब के पास, ये देखें जी कदीर साहब इसको लेवल इस तरह करेंगे कि यार जो सेंटर वाला बबल है जो आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये बबल सेंटर में रहना चाहिए, ये बबल सेंटर में रह गया। अब हमने यहाँ से वहाँ एक लाइन खींचनी है, इसके ऊपर बाद में रेड डोरी लगाएंगे। अब यही वाला सेम प्रोसीजर हम सारे कॉलम्स पे रिपीट करते हैं, इसको सारे के सारे कॉलम्स पे लगाते हैं एंड देन हम आपसे मिलते हैं रेड डोरी के साथ। जाइएगा कहीं नहीं, इंजॉय करते रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ करें, इंस्टा पे फॉलो भी करें। गुड बॉय, सी यू। मीनवाइल अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ ना कि ये प्रोसेस रिपीट करने का फ़ायदा क्या हुआ है। बकाया ये देखें, हाथ ये देखें, सही बैठ गई, ये देखें यहाँ पे ये लाइन देखें, ये लेवल में फर्क था वहाँ से, और यहाँ से देखें ना तो ये ऊपर वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन देखें, नीचे वाली देखें, ये लेवल आउट हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे देखें ना तो और इस लेवल में ये फ़र्क आ गया, तो इसको लेवल करने में ना हमारी एक क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है और जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि यार हमारी जो हमने वाटर लेवल से जो मार्किंग की है वो कहीं आगे पीछे तो नहीं होगी, क्योंकि दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं तो किसी एक की भी ज़रा सी कोताही से ना लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो आके फिर इस लेवलिंग में कवर हो जाता है। आए कुत्ते पे गए, कुत्ते पे गए, मेरा एक प्यारा सा दोस्त है यार, वो दोस्त अक्सर मुझे कहता था, मुझे उसके कहने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है ना, आई होप कि वो मुझे देख रहा है, नहीं नहीं ये मैं एक क्लिप निकाल के ना मैं उसे भेजूंगा, वो अक्सर कहता था आई हेट कुत्ताज, तो या सर ऐसे मौके पर मुझे उस दोस्त की याद आती है, अल्लाह पाक उसे खुश रखे यार, बड़ा अच्छा दोस्त है, हम लोगों ने बैठ के इकट्ठे की थी, खुशी हमने इकट्ठे की थी, हमेशा कहता था जब भी कुत्ते उसके पीछे होते थे ना हमेशा उसके मुँह से आई हेट कुत्ता, मिसिंग यू जानी, लव यू अगेन।
A few inches later. अभी हमने ये खत्म कर दिया है, ये देखिए ये पेंसिल से ऑल द वे ये निशान हमने लगा दिए। अब हमने इसके ऊपर लगाने हैं क्या रेड, और इसे इसको परमानेंट करना है क्योंकि पेंसिल का निशान खत्म हो जाए। तो अब लास्ट नेल इन द कफन, यानी कफन में आखिरी कील ठोकने की बारी आ गई है, वो है जी रेड डोरी। रेड डोरी के लिए ये करना है कि हमने ये देखें रेड डोरी को दूसरे निशान पर बराबर करके, ठीक है जी, और यूँ देना है टंग, बस थोड़ा सा ऐसा ना नीचे तकें, मेरी बात सुने, इसको लपेट पे ना यूँ इसको छंडें थोड़ा सा, यूँ पानी निकालें इसमें से, ये क्योंकि ये जो फैल रही है ना ये फैले ना ला। कदीर साहब आप तो सारे कदमों की तरफ घूम रहे हैं जी, चारों तरफ से घूम रहे हैं यार, जब ये लास्ट विलाज में आ रहे थे जब चाचा हमारे साथ थे उस टाइम आपने मुझे यही बात बोली सर जी आप तो चारों साइड से घूमने जा रहे हैं। मेरे पास अभी जब मैं वो विलाज में जिसके विलाज में देखता हूँ मुझे यार बड़ी हंसी आती है यार, कदीर साहब ने बड़ी प्यारी बात बोली। क्या जबरदस्त बात जी जी तुम क्यों नहीं गलत हुआ क्या होता है बराबर जा रहे हैं वो तो चाहिए बीच में निशान है का थोड़ा सा नीचे हो जाता है स्पेशली नहीं है ये डोरी में देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है बेहतरीन ओके गुड इवनिंग जनाब, हम आ गए हैं वापस ऑफिस में सारे लवाजमात क्लियर करके, अभी हम पी रहे हैं अपना लव। आय हाय इतना सुकून, आय हाय इतना सुकून। तो यार व्लॉग के एंड करते हैं, ये था मार्किंग, आपको तो क्या बताया कि किस तरह मार्किंग की जाती है। अब आपने ऐसा करना है कि यार यहाँ पे होता है व्लॉग ख़त्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्टिविटी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि यार उसको हमने कैसे करना है। लास्टली आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि जी हम कैसा कर रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।